इंदौर शहर में हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देर रात अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बच्ची को थप्पड़ मारने के मामूली विवाद में एक युवक की चाकुओं से गोद कर तीन लोगों ने हत्या कर दी। अन्नपूर्णा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। दरअसल इंदौर शहर में एक महीने में 10 से अधिक हत्या हो चुकी है, उसके बाद भी हत्याओं के सिलसिले जारी है। वहीं देर रात अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर में रहने वाला प्रकाश के घर की सीढ़ी पर बच्ची के बैठने की बात को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो गया था। वहीं प्रकाश जब पड़ोसियों से विवाद की बात करने गया तो तीन लोगों ने मृतक प्रकाश पर चाकू से हमला कर दिया। मृतक को परिजन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्रकाश को मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक प्रकाश के परिजनों ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले शिवदास, दीपक और राम भाव ने बच्ची को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद प्रकाश बात करने गया था, लेकिन होनी कुछ और ही थी। तीनों ने मिलकर प्रकाश पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं अन्नपूर्णा पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जहां आज आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसमें घटनाक्रम यह है कि ये सिद्धार्थ नगर, घटना स्थल सिद्धार्थ नगर में विकास अपार्टमेंट नाम से मल्टियां बनी हुई है, जिसको सिद्धार्थ नगर मल्टी भी कहा जाता है। वहाँ पर कई सारे मजदूर वर्ग के और अन्य प्रकार के साधारण वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें बच्चों के ऊपर नीचे चढ़ाव से उतरने चढ़ने और की बात को लेकर विवाद हुआ था, जो कि मृतक जो मृतक है प्रकाश कोचले, इसी बात को लेकर अपने ऊपर, उस मृतक प्रकाश कोचले फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और जिनसे उसका झगड़ा हुआ था वो लोग सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं मल्टी की, तो वो नीचे आकर इसी बात पर मल्टी के सामने नीचे आकर बात कर रहे थे। इसी बात को लेकर अचानक दोनों में विवाद हुआ, झगड़ा बढ़ा, इसमें प्रकाश कोचले को मारपीट में आरोपी रामदास द्वारा चाकू मार दिया गया, जिसमें उसको चाकू जांग पर लगा, उसकी भाई जांग पर लगा और कमर में लगा, पेट के पास, जिससे ज़्यादा खून निकल जाने से मतलब जिससे 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 खून निकलने लगा उसको, जिसको जिससे उसका बेटा जिला अस्पताल उसको इलाज के लिए लेके आया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल की सूचना पर हमारे द्वारा मार्ग कायम किया गया एवं तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों की धरपकड़ की गई। सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लिया गया। इसमें एक आरोपी जो कि भाग दूसरे फ्लोर से कूदने का प्रयास कर रहा था, जिससे उसके पैर में और हाथ में चोट लगी है, जो MY में इलाजरत है, उसका नाम दीपक उर्फ सोनू है। और इसमें एक अन्य आरोपी और थे जिसने रामदास के साथ, इन तीनों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसमें रामदास के द्वारा चाकू मारा गया एवं इन दोनों के साथ दाल घुसे एवं डंडे से मारपीट की गई। इसमें दो अन्य आरोपी का नाम है, एक का नाम दीपक उर्फ सोनू है जो कि घायल है, जो MY अस्पताल में इलाजरत है, एवं एक का नाम शिवदास है जो कि दीपक उर्फ सोनू का पिता ही है। ये जो आरोपी हैं ये आपस में सगे रिश्तेदार हैं, ये सेकेंड फ्लोर पर रहते हैं और जो मृतक है वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता है, वो भी अपने परिवार के साथ रहता है। ये साधारण झगड़ा था, साधारण झगड़े में अचानक विवाद बढ़ा, इसको लेकर इसमें चाकू चल गया, जिससे उसकी हत्या हुई। ऐसा कोई ऐसी बड़ी रंजिश और ऐसी कुछ कोई चीज़ नहीं थी, ये साधारण से विवाद को लेकर। जो मृतक है वो एक हाथ दाहिने हाथ से विकलांग था, उसका हाथ पहले एक्सीडेंट में कटा हुआ था, वो शराब ज़्यादा पीता था। यही है घटनाक्रम। अभी एक आरोपी जो का इलाज रहते, बाकी आरोपी हमारी अभिरक्षा में है, जिन्हें न्यायालय पेश किया जाएगा। सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जी, सभी आरोपियों की धरपकड़ हो गई है। कोई नहीं बचा। आपका नाम बताओ। मेरा नाम उपनिरीक्षक अंकित शर्मा है, मैं थाना अन्नपूर्णा पर पदस्थ हूँ। क्या मामला है? ये है कि मेरी छोटी जो बहन है ना, उनको राम भाव ने लपड़ मार दिया। लपड़ मारने के बाद में पापा बातचीत करने गए, तो पापा को मतलब इन तीन जनों ने मिल के मारा और चाकू लगा। कहाँ के रहने वाले हैं ये और क्या नाम है? नगर में रहते हैं, और एक का नाम है राम भाव, दूसरे का नाम है दीपक उर्फ सोनू, और तीसरे का नाम है शिवदास। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था, क्या कारण था? ये बहन के चक्कर में हुआ था, छोटी बहन को मार दिया उन्होंने, उस चक्कर में हुआ। आपका नाम? मेरा नाम हरीश। आप क्या लगते हो? मेरा पापा छोड़ा हूँ।